चौक थाना अंतर्गत बुलेटिन क्षेत्र के एक मकान में बुधवार को अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते मकान से आग की तेज लपटें निकलने लगी। आग इतनी विकराल थी कि मकान की दीवारें चटकने लगी। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोग घर छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। यहां पर आकर के देखा कि कुछ केमिकल है, के पास केमिकल का स्टोरेज टाइप का था ग्राउंड फ्लोर पे, उसी के कारण शायद आग लगी। तो हमारे जो बहादुर कर्मी है फायर के, उन्होंने आग पे जो है पहले तो होजेस भी छाए, 5-6 होज लगे, क्योंकि रोड से और अंदर काफ़ी सकरी गली है, एक बाइक जा सकती है बस। तो 5-6 होज भी छाए, उसके बाद फिर उन्होंने फायर फाइटिंग की और आग को पूर्ण तरह जो है बुझा दिया गया। अब क्योंकि जो समय लगा वहाँ से होज भी छाने में, क्योंकि वो मेन रोड से लगभग समझ लीजिए 150 या 200 मीटर अंदर है, वही टाइम लगा। बाकी तो आग बुझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा हो, ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं है अगर कहेंगे तो, ये लो टाइप की फायर थी। पर हाँ, ये जरूर देखेंगे कि ये केमिकल जरूर रखा था, कि ये आवासीय है और यहाँ पे इन्होंने ये पता नहीं कौन से केमिकल अभी देखना पड़े। हाँ, ये जरूर है कि ये केमिकल का काम हो रहा था, ये तो जांच का विषय अभी देखा जाएगा। पर हाँ, ये कुछ है जो ऐसा दिख रहा है अभी प्रथम दृष्टया, यहाँ पे कुछ केमिकल रखा हुआ था। चितेपुर थाना के आदित्यनगर पोखरिया के पीछे गंदे पानी के पोखरा में 30 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के हाथ पैर बंधे हैं, वहीं गले पर कट के निशान हैं। लोगों ने युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। बगल में भट्टा है, उसी में हुई है, जंगल झाड़ी। क्या हुआ है? फेंका हुआ है, डेड बॉडी फेंका हुआ है। आपको कब मालूम हुआ? 2 घंटा पहले देखने से। पानी से अंदर उतराया, पानी उतराया हुआ था। लगभग कितनी पुरानी लाश होगी? 26-26 साल, 5-6 दिन हो। आदमी की कोई शिनाख्त हुई है? कहाँ का था? नहीं, अभी ये सब नहीं। लाश का पूरा व्हाइट हो गया है, व्हाइट चिन्ह नहीं रहा है। 80 स्थित मारवाड़ी सेवा संघ के सामने बाइक के धक्के से घायल मुंबई निवासी महिला पर्यटक की बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित बाइक सवार की तलाश कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपित बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। सारनाथ का लाइट एंड साउंड शो अब शाम 7 बजे से होगा। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए शो का समय अब 6:30 के स्थान पर 7 बजे कर दिया गया है। लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। सारनाथ का लाइट एंड साउंड शो पहले शाम 6:30 बजे शुरू होता था, हालांकि गर्मी के दिन लगभग 7 बजे तक अंधेरा हो रहा है। ऐसे में शो का समय बढ़ाकर 7 बजे कर दिया गया है। रोहनिया में विकसित होने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यावरण के लिहाज से यहां ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अपना थाना, पेट्रोल पंप, चौड़ी सड़कें आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वीडियो उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने इसको लेकर ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान आगामी योजना को लेकर चर्चा हुई। अखिल भारतीय टोटो संघ के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नगर आयुक्त के बार बार चेतावनी के बावजूद अवैध वसूली जीएसटी नंबर के बिना वाली पर्ची देकर ई रिक्शा चालकों से जबरदस्ती की जा रही है। प्रवीण काशी ने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा एम पास मशीन से पर्ची काटने के आदेश दिए जाने के बावजूद अवैध प्रिंटेड पर्ची ठेकेदार के माध्यम से बांटी जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल खटाखट लोगों से खाते में पैसा भेजने की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि 4 जून को जब वो रिजल्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि फटाफट करते हुए लोगों ने मोदी जी के फेवर में रिजल्ट दिया। कल मतलब लालगंज है, जौनपुर है, वहाँ भी मतलब प्रोग्राम रखे गए हैं, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और बनारस की जो सीट है वाराणसी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। यहाँ आज जो शाम को कुछ प्रोग्राम हो गए तो भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। और यहाँ जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ भी मैं भेंट करने वाला हूँ। और कल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की जो जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और सारनाथ में पहली बार मैं बुद्ध जयंती मनाने के लिए मैं इधर आया हूँ और मैं कल सुबह सारनाथ में जाने वाला हूँ। तो इसी तरह मतलब जो पूर्वांचल की 35 सीटें है, 35 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को आप चुनकर दीजिए, यह आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ वाराणसी आया हूँ। देश भर में 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 6वें व 7वें चरण के चुनाव के दिन वाराणसी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से इसकी सूचना दी गई है। 25 को वाराणसी के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में व 1 जून को बनारस में वोटिंग के कारण सार्वजनिक अवकाश होगा।
लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाए, इनको सम्मान नहीं दे पाए, इससे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है। देखिए महिलाओं का इफेक्ट ये देखिए ये है ना, ये देख सकते हैं ये तीनों कौन लोग हैं, ये तीनों कौन है, आम आदमी है, ये भाजपा के नेता है, तीनों भाजपा के नेता है ये, ठीक है। और मोदी जी से डायरेक्ट इनकी फोटोज, अमित शाह की डायरेक्ट फोटोज है, ठीक है। और इनके द्वारा बच्चियों का रेप किया गया और वो भी आईटी, हिंदुस्तान में दुनिया में नाम है आईआईटी बीएचयू का, उसकी बच्ची के साथ रेप किया गया। इनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो देश और समाज के लिए नजीर बन सके। इस नाते आज हमारी महिलाएं बहने हमारे परिवार के लोग बैठी हैं, इसलिए कि कम से कम ये चीजें सामने आवे कि महिलाओं का कितना सम्मान आप करते हो, बच्चियों का कितना सम्मान। एक मोदी जी का ट्वीट आया था, इस पे एक भी ट्वीट आया तो बताइए मुझे, मोदी जी ने एक अफसोस जाहिर किया तो बताइए मुझे, एक अफसोस नहीं जाहिर किया। अब लगा कि नहीं अब जमीन हिल गई, तो अब नारी वंदन और अभिनंदन हो रहा है, नारियों का सम्मान किया। वाराणसी में 25 मई को ईडी गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस की महिला नेता डिंपल यादव ने प्रियंका गांधी संयुक्त सभा करेंगी। इस दौरान दोनों नेता वाराणसी लोकसभा व पूर्वांचल के महिला वोटरों को साधने का प्रयास करेंगी। इन दोनों नेताओं के बाद इस महीने के अंत में अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाराणसी में एक संयुक्त सभा करेंगे, इसकी जानकारी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने दी।